तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 10 फीमेल डबिंग आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने फेमस साउथ एक्ट्रेस को अपनी आवाज दी है। इससे पहले मैंने मेल डबिंग आर्टिस्ट पर भी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। उर्वी अजहर ये फेमस वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं जो कि 1998 से इस बिजनेस में एक्टिव हैं। ये इंग्लिश, हिंदी, कुची, गुजराती लैंग्वेज बोलती हैं। इन्होंने कई फेमस एक्ट्रेस को अपनी हिंदी वॉइस दी है, जैसे काजल अग्रवाल, तमन्ना भाटिया, हंसिका मोटवानी, श्रुति हसन जैसी और भी कई सेलिब्रिटीज को अपनी आवाज दे चुकी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे पार्टी में ऐसे ही छोड़ के चले गए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सैंडबैग, डंबल्स, वर्कआउट का शौक भी रखते हो? हाँ कर रही है। आपको तो इस वक्त डांस करना चाहिए। मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है? मुझे दिख क्यों नहीं रहा? देखना क्या है इसमें, मैं डांस कर रही हूँ। डांस कर रही है लेकिन कहाँ? इनसाइड। क्या कहा? अपने मन में। पागल है। तोशी सिन्हा एक वेल नोन डबिंग आर्टिस्ट हैं जो कि 2001 से इस फील्ड में काम कर रही हैं। ये एज ए रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्रामर काम कर चुकी हैं। ये साउथ की फेमस एक्ट्रेस जैसे त्रिशा कृष्णन, प्रियामणि, हंसिका मोटवानी जैसे कई एक्ट्रेस को अपनी हिंदी आवाज दे चुकी हैं। तुम जानते भी हो मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं कोई प्यार व्यार का इजहार करने नहीं आई हूँ। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें मारा इसलिए मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। तुमने तो पूरी की पूरी लव स्टोरी लिख दी, ख्याली पुलाव बनाया भी और उसे खुद ही खा भी लिया, ये कोई बात? एक मिनट, रुको। मैंने सुना तुमने ललन यादव के लोगों को धो डाला, गिरी ने बताया। हाँ मैंने मारा। तो तुमने मारा उन्हें? पूरी बोतल चढ़ा के। सबीना मलिक मौसम ये भी एक फेमस वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। इन्होंने साउथ की फेमस एक्ट्रेस जैसे श्रिया शरण, नयनतारा, अनुष्का शेट्टी, ज्योतिका जैसी कई साउथ एक्ट्रेस को अपनी हिंदी वॉइस दी है। आपने क्या किया? जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की उसके लिए आपने क्या किया? शहर के मंदिरों को हम कलर करते हैं, उन्हें चमकाते हैं। सरकार तो मंदिरों की कोई मदद नहीं करती, हम लोग ही करते हैं। स्विट्जरलैंड में अगर दोबारा कभी भी नजर आए ना तो ये मिर्चा सच में आँख में डाल दूंगी। शगुफ्ता बेग भी एक वेल नोन वॉइस एक्ट्रेस हैं और रेडियो जॉकी हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 2006 से एक्टिव हैं। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलती हैं और फॉरेन कंटेंट के लिए भी डब कर चुकी हैं। ये साउथ की एक्ट्रेस जैसे अनुष्का शेट्टी, तापसी पन्नू, काजल अग्रवाल, हंसिका मोटवानी जैसे कई और एक्ट्रेस को हिंदी वॉइस दे चुकी हैं। ये एप्पल वो 15 का है। वो एप्पल वो भी 15 का है। ये एप्पल वो भी 15 का है। 15 का है बोल रहा हूँ ना मैडम। देखो भैया, कल ही मैंने 14 रुपए में खरीदा था। तुम रोज 1 रुपया बढ़ाओगे तो कैसे चले? तुम अचानक से उस तरफ मुड़ोगी और डर कर खड़ी हो जाना जैसे कि तुमने सच में भूत देख लिया हो। ऑडियंस के डर के मारे पसीने छूट जाने चाहिए, टीआरपी यूं ऊपर जाएगी। मुस्कान जाफरी एक्ट्रेस और वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। ये बॉलीवुड की फेमस एक्टर जगदीप जी की बेटी हैं और जावेद जाफरी की हाफ सिस्टर हैं। इन्होंने साउथ की फेमस एक्ट्रेस जैसे कीर्ति सुरेश, रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल के लिए हिंदी डबिंग की है। क्या दोबारा मेरी जिंदगी में मुझे रुलाने के लिए आए हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो पर मेरे हालात समझने की कोशिश तो। मैंने सोचा तुम बदल गए हो पर तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदल। वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुँच सकते। सीने प्रकाश ये भी फेमस डबिंग आर्टिस्ट हैं। इन्होंने साउथ की फेमस एक्ट्रेस जैसे अनुपमा परमेश्वरम के लिए हिंदी डबिंग की है। यहाँ खेती बाइक से करते हैं क्या? इंटरेस्टिंग। क्या रे, कौन है ये? नित्या, रिश्तेदारी समझ ले इसे। हाय, नमस्ते जी। तुम्हारी बाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता है और कुछ नहीं पीता पापा। तो वही बना दो, तुम्हें तो बनानी आती है ना? बनानी आती हो तो भी वो हम जैसे लोगों के साथ नहीं पिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताने कि आपकी फेवरेट साउथ इंडियन एक्ट्रेस कौन सी है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।